नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं मां बुलेटिन। खबर लखनऊ से है। दरअसल बीटीसी की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 से लेकर 3 नवंबर तक दोबारा परीक्षा होगी। बीटीसी पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। 4 नवंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा में बदलाव किया गया है। टीईटी परीक्षा अब 18 नवंबर को होगी। 10 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम आएगा। 11 से 25 दिसंबर तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, बीटीसी पेपर लीक हुआ वो तो समझा जाता है कि 1 तारीख से 3 तारीख तक का वक्त तय किया गया, लेकिन ये टीईटी परीक्षाओं में क्यों बदलाव किया गया? अभिषेक, तो 6 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। 6 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर। बीटीसी परीक्षा पेपर लीक मामले को सबसे पहले भारत समाचार ने उठाया था, तो बीटीसी परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक दोबारा परीक्षा होगी। बीटीसी पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। 4 नवंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। अब 4 नवंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा 18 नवंबर को होगी, तो 10 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम होगा। तो एक तो निर्णय ये लिया गया है कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक बीटीसी की परीक्षा फिर से करा दी जाएगी और पूरी इसमें एहतियात बरत के पूरी शुचिता पूर्वक परीक्षा कराई जाएगी। टेट की परीक्षा जो पहले 4 नवंबर को होनी थी अब 18 नवंबर को होगी। और इन दोनों का रिजल्ट 10 दिसंबर तक निकाल दिया जाएगा। और बीजेपी के पूर्व सांसद और संत रामविलास वेदांती ने राम मंदिर निर्माण